हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस स्टडी क्लासेस। आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं आपकी स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग बाय एस एन शुक्ला। चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे रॉयल्टी अकाउंटिंग। ओके, तो देखिए आप लोगों ने शायद रॉयल्टी के बारे में काफी बार सुना होगा, लेकिन आज हम उसको प्रैक्टिकली जानेंगे कि रॉयल्टी आखिर होती क्या है और उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, उसमें जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं, वो सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में आपके सामने पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले रॉयल्टी की बात कर लेते हैं कि रॉयल्टी होता क्या है। देखिएगा मीनिंग इसका है, इट इज द रेम्यूनरेशन पेबल टू द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ एन एसेट वेदर हायर और परचेस। जब कोई पर्सन अपना किसी को एक राइट यूज करने के लिए दे देता है तो उसके अगेंस्ट में उसको क्या दी जाती है, रॉयल्टी दी जाती है, उसी को हम बोलते हैं रॉयल्टी। ओके, अब देखिएगा इसको और बेटर समझने के लिए रॉयल्टी अकाउंट्स करते कैसे हैं, तो आपको आपकी बुक का एक पहला क्वेश्चन हम कराते हैं जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 53 स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग का बाय एस एन शुक्ला, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है पेज नंबर 53 पे। आप लोग देखिएगा या आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, आप सबको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो देखिएगा आज इसको प्रैक्टिकली भी स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिएगा सबसे पहले आपको क्या देखते हैं कि आपके इस क्वेश्चन पेपर में देखिएगा क्वेश्चन में क्वेश्चन है आपका, अ कंपनी टुक अ लीज ऑफ अ कॉलरी ऑन 1st अप्रैल 2013 एट अ मिनिमम रेंट ऑफ 9000। ओके, मर्जिंग इनटू अ रॉयल्टी ऑफ 50 पैसा पर टन विद अ पावर टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग्स ओवर द 1st 3 years ऑफ द लीज। द आउटपुट ऑफ द कॉलरी फॉर द 1st 3 years वाज 12000 9000 एंड 21000 टन रेस्पेक्टिवली। ड्राफ्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ओके, देखिएगा मैं इस क्वेश्चन को समझते हैं। कॉलोनी कंपनी लिमिटेड है, उसने एक हायर उसने एक कोल माइन ले रखी है जिससे आउटपुट वेरियस इयर्स में दे रखा है, 12 13 का 13 14 एंड 14 15 12000 19000 21000, और जितना भी टन निकल रहा है उस कोल माइन से उस पे रॉयल्टी में 50 पैसा पर टन दे रखी है। तो सबसे पहले हमें काम करना पड़ेगा, हमें इस एनालिटिकल टेबल को सीखने के लिए हमें अपने यहां एक 8 कॉलम प्रिपेयर करने पड़ेंगे, जो कि पहला कॉलम आपका ईयर का आउटपुट, रॉयल्टी मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग आरएसडब्ल्यू मींस रिकूप शॉर्ट वर्किंग, यूआरएसडब्ल्यू अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग्स, देन अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। देखिए आपको धीरे-धीरे ये चीज एवरीथिंग सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले रॉयल्टी का आपको मीनिंग बता दिया, तो देखिएगा जितना भी आउटपुट रेज हो रहा है रॉयल्टी उसका कितना है, 50 पैसा पर टन। ओके, तो अब हम 50 पैसे पर टन को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जितना भी हमारा आउटपुट उससे रेज हो रहा है, तो 12000 मल्टीप्लाई बाय 0.5 दैट इज रॉयल्टी अमाउंट 6000। ओके, जब हम 19000 का 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा, 9500। ओके, नेक्स्ट है 21000 1415 में आपका टनेज रेज हो रहा है, उसका मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से दैट इज 10500। ओके, अब देखिएगा अभी हमने ये रॉयल्टी फाइंड आउट कर ली और क्वेश्चन में हमें मिनिमम रेंट दिए मैंने सारे इयर्स का 12 13 का 13 14 का 15 40 15 का। ओके, 9000 हमें हर साल में मिनिमम रेंट दिए हैं, तो 9000 हमने हर साल में मिनिमम रेंट रिकॉर्ड कर दिया। ओके, बात आती है शॉर्ट वर्किंग की। व्हाट इज शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग इज द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम रेंट एंड रॉयल्टी। शॉर्ट वर्किंग किसका डिफरेंस है, जब हम मिनिमम रेंट से क्या माइनस कर देंगे, रॉयल्टी माइनस कर देंगे, हमें शॉर्ट वर्किंग नजर आ जाएगी। तो देखिएगा 9000 माइनस 3000 दैट इज 3000, नेक्स्ट 9000 माइनस 1500 तो ये पॉजिटिव बैलेंस आएगा 500 का, बिकॉज़ प्रोबेबिलिटी से ज्यादा मिनिमम रेट से। नेक्स्ट 9000 देन 10000 अगेन 1500 हमारा क्या देगा, पॉजिटिव बैलेंस। ओके, अब बात आती है रिकूप शॉर्ट वर्किंग। क्वेश्चन में रिकूप शॉर्ट वर्किंग को राइट ऑफ करने की पावर 1st 3 years तक दे रखी है कि हम अपनी रॉयल्टी को कितने साल तक रिकूप कर सकते हैं, पहले 3 साल 1 2 3 और उसके बाद चलकर भी रिकूप नहीं कर पाएंगे। ओके, देखिएगा रिकूप शॉर्ट वर्किंग पहले साल में आपको कितने का लॉस हुआ है, 3000 का, और आपके पास कोई सरप्लस अवेलेबल नहीं है, तो पहले साल में कोई रिकूप नहीं कर सकते। और क्वेश्चन ने कह दिया कि 3 साल तक रिकूप कर सकते हैं, इसका मतलब पहले साल में कोई अनरिकूप्ड नहीं होगा। और अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड कैसे निकालते हैं, मिनिमम रेंट और रॉयल्टी के चलते है, मिनिमम रेंट और रॉयल्टी के चलते है माइनस रिकूप शॉर्ट वर्किंग। बट इस क्वेश्चन में रिकूप शॉर्ट वर्किंग तो नहीं है, तो 3000 और 9000 बचा हुआ है, 9000 माइनस इधर अमाउंट कितना आएगा, 9000। ओके, नेक्स्ट में देखिएगा, अब आपके पास 3000 की शॉर्ट वर्किंग थी बट आपके पास 500 का सरप्लस बैलेंस है, तो आप इस 500
500 से इस 3000 को सेट अप कर सकते हैं अप टू द एक्सटेंट ऑफ 500. तो आपके पास कितना हो गया 500. ओके, अब देखिएगा क्वेश्चन में बोला था कि फर्स्ट 3 इयर्स तक आप इनको क्या कर सकते हैं, रिकूप कर सकते हैं. बट आपके पास सेकंड ईयर में कुछ पॉजिटिव शॉर्ट बुकिंग थी, तो उस आपने 500 को सेट अप कर लिया, अभी भी कितना बचा 2500. और 3 साल तक आप रिकूप कर सकते हैं, इसका मतलब इस दूसरे साल में कुछ भी रिकूप नहीं होगा. अगेन अमाउंट पेड टू लैंडलॉर, मैंने पहले भी रिपीट किया था, आप रिपीट करो. मिनिमम रेंट और रॉयल्टी विच हमने लिखा है दैट इज 9500 माइनस रिकूप शॉर्ट बुकिंग. रिकूप शॉर्ट बुकिंग कितनी आपकी 500. तो 9000 और 9500 विच हमने लिखा है दैट इज 9500 माइनस रिकूप शॉर्ट बुकिंग 500. अमाउंट पेड टू लैंडलॉर कितना आ गया 9000. ओके, नेक्स्ट है. अब आप देखिए, अब आप अपनी शॉर्ट बुकिंग को कितना रिकूप कर सकते हैं. अभी आपके पास 2500 की शॉर्ट बुकिंग अभी भी बची, बट आपके पास सरप्लस अवेलेबल कितना है 1500. तो आप कितना रिकूप कर सकते हैं 1500 रिकूप कर सकते हैं. अनरिकूप था आपका टोटल 3000. और क्वेश्चन में कहा था पावर टू रिकूप शॉर्ट बुकिंग, पहले 3 साल तक आप इनको रिकूप कर सकते हैं, बट आपके पास सरप्लस अवेलेबल कितना है दैट इज 2 ईयर का मतलब 2000. तो 3000 की शॉर्ट बुकिंग थी, जितने सरप्लस था 2000, तो आप 2000 तक इसको कर सकते हैं रिकूप. बाकी 1000 जो बचा उसको आप चाहकर भी रिकूप नहीं कर सकते, इसलिए वो कहां चला जाएगा अनरिकूप. ठीक है, नेक्स्ट कॉलम है आपका अमाउंट पेड टू लैंडलॉर. अमाउंट पेड टू लैंडलॉर अगेन कैसे निकलता है, मिनिमम रेट और रॉयल्टी विच एवर इज देयर दैट इज 10500 माइनस रिकूप शॉर्ट बुकिंग दैट इज 1500. 10500 माइनस 1500 अगेन 9000. ओके, ये हो गई हमारी एनालिटिकल टेबल. बट अगर आपको अब इसकी जनरल एंट्री क्वेश्चन कराएगा कि पास क्वेश्चन की जनरल एंट्री, तो देखिए बेटा जनरल एंट्री बहुत ही सिंपल है, स्टेबिलिटी चार्ट की. तो देखिएगा हमारे पास पहली सिचुएशन है व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, और हमारा क्वेश्चन भी जब रॉयल्टी किससे कम है, मिनिमम रेंट से कम, तो पहली एंट्री है रॉयल्टी इज पेबल. अभी रॉयल्टी को हमने पे नहीं किया है, ये अभी पेबल है, मींस आउटस्टैंडिंग पे करना है. तो अकॉर्डिंग टू नॉर्मल अकाउंट रॉयल्टी पे करना है, ये हम लेसी की बुक में एंट्रीज कर रहे हैं. ओके, तो क्या एंट्री होगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट. If there is any short working, then short working account debit to landlord. क्योंकि royalty का पैसा pay किसको करना होता है, landlord को. तो अभी हमने payable है, pay नहीं किया. पर जब हम landlord को amount pay करते हैं, तो when payment is made, जब payment made करेंगे, payment किसको made होगा, landlord को. तो यहाँ पर आपको rule लगाना है personal. तो debit the receiver, who is receiver, that is landlord. And credit what goes out. तो landlord account debit to banker. Next है आपके पास जो unrecouped short working है या पर रॉयल्टी है, आपको उनको क्या करना पड़ता है, राइट ऑफ. और ये दोनों ही आपके लॉसेस हैं, और लॉसेस आपके किससे राइट ऑफ होते हैं, आपके प्रॉफिट से. और प्रॉफिट को हमने नाम दिया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू रॉयल्टीज अकाउंट और टू शॉर्ट बुकिंग. ओके, आई थिंक आप लोगों को इतना सब कुछ समझ में आया होगा.